राम राम सार्जने, मैं हूँ मित्रेश। मैं देवों की नगरी देवघर से आया हूँ। शख्स देवघर में मेरे पापा का मारवाड़ी भोजनालय है। स्कूल में मेरी टीचर अक्सर कहा करती थी, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम तो मारवाड़ी हो। और इस बात को मैंने दिल पे ले लिया और मैंने सोचा मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूँगा। पर शख्स एक बात तो मैं भूल ही गया कि बिजनेस तो मेरे खून में ही है। मेरी लाइफ से दो चीज़ों ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा, एक बिजनेस और एक देहरादून। देहरादून से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। वहाँ की हवा, पानी, उपज में बहुत ही शुद्धता है। और हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की उपज तो बहुत शुद्ध है लेकिन वो देश तक नहीं पहुँच पाते। और शख्स इसीलिए हमने शुरू किया फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स। फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स में हम देश के अलग अलग किसानों से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस प्रोक्योर करते हैं बिना किसी मिडिलमैन के और फिर उसे ऑनलाइन सेल करते हैं। और शख्स सबसे अच्छी बात यह है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मम्मी सर्टिफाइड, क्योंकि ये इनके सुपरविजन में ही बनाए जाते हैं और ये मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं। राम राम सर, आप सभी को। मेरा नाम सरोज शर्मा है और मेरे द्वारा बनाया आम का अचार हमारे भोजनालय में बहुत फेमस था। जब इसने बिजनेस चालू किया तो अचार को ऑनलाइन कर दिया, वो तुरंत ही बिक गए। उसके बाद मैं इसके साथ बिजनेस में आ गई। फर्स्ट बर्ड के लिए आम का अचार चाय मसाले में खुद ही बनाती हूं। इसके अलावा फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स में आप मेघालय की हल्दी से लेकर कश्मीर के सैफरन तक ये सारे सामान अपने किचन में सीधा पा सकते हैं। हमारा विजन है आपके किचन के सारी नीड्स को पूरा करें। शख्स मैं और मम्मी देवघर से ही बिजनेस चलाते हैं और अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए हैं। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 7% ऑफ इक्विटी। तो चलिए शख्स फर्स्ट बर्ड को बनाते हैं फर्स्ट चॉइस। मित्रेश जी, मैडम जी, राम राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आए यहाँ पर और आपने इतनी बढ़िया अपनी बिजनेस के बारे में बताया। मेरा इतना सौभाग्य है कि मैं टीवी में देखती थी और कभी घर से निकली नहीं हूँ, पहली बार ही आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। वाह, मेरा डर लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं। बहुत डर लगा मन में, अभी भी मैं मेरे पैर कहाँ पे है, मन में लग रहा रोना। आप इतना अच्छा दिख रही है, इतना अच्छा बोल रही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बैठना चाहेंगी मैम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप शार्क टैंक देखती थी पहले? एक दो सीजन बहुत देखती थी टीवी में। और इसको भी बहुत मन था कि मैं जाऊं, माने कैसे जाऊं। मेरा भी था कि देखिए आपके जैसे, मुझे लगता है कि शार्क टैंक देश में करोड़ों घरों में लोग देख रहे हैं और उससे नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों का देवघर झारखंड का बात होता है, वहाँ तो बहुत बढ़िया मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। टेस्ट करें क्या? हाँ चलो टेस्ट करें। YouTube में मेरे 107 ये है वीडियोस खाने का। आप YouTube पे वीडियोस बना रखे हैं? हाँ बना रखे हैं। एक आम का है और एक एक, एक लेमन का। अच्छा अच्छा, कितने व्यूज है आपके YouTube में? YouTube में मलाई बेसन में बहुत ज्यादा है, 2 लाख लगभग है। अरे वाह, क्या चौकी रसोई भाई सरोज नाम है चैनल का। बड़ा अच्छा है, मजा अच्छा आ रहा है। अच्छा, वेरी टेस्टी। तो मेरा मन में ये था कि आप लोगों को पसंद आए कि नहीं। नहीं, नहीं, बहुत टेस्टी है। इतना खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। घर की याद आ गई। बहुत अच्छी है। अचार बहुत ही बढ़िया मैम, दोनों के दोनों। नींबू का अचार बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। मम्मी के हाथ का बनाया अचार खाते रहते हो पूरा दिन? खाता है हमेशा। और दोस्तों को भी खिलाते हो? बेटी जब भी जाता हूँ दिल्ली या कहीं अमेरिका तक अचार बेटी लोग रहती है, एक अमेरिका में एक जापान में, वो लोग लेके जाती है। वाह क्या बात है। मैंने वो लोग सब पढ़े, मेरी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि पहले पढ़ाते नहीं थे। हाँ सही बात है। भाई लोग को पढ़ाना चाहता तो वो लोग पढ़े नहीं और मुझे पढ़ाया नहीं। मेरा बहुत मन था, मुझे नहीं पढ़ाया, तो मैं मेरा बेटा बेटी लोग सब पढ़े। ये सब घर में बनाया मैम? पूरा घर में, बगीचा लिया हुआ, ताजा आम टूटते हैं उसका। बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स है घरों में। हाँ। उसे अगर आप लेकर के जाए ऑनलाइन तो बहुत अपॉर्चुनिटी। अच्छा आप ये सब सीखी कैसे, इतनी सारी चीजें बना रहे? पापा है ना बेद का काम जैसे करते थे, तो वो सब चीज बनाते थे। वैद्य मतलब आयुर्वेदिक? हाँ, आयुर्वेदिक दवाएं, चमनप्राश, ये सब बनाते थे। तो आपके पापा ये सब वैद्य की चीजें? हाँ, बनाते थे। तो मैं देखती थी, पढ़ाई लिखाई हुआ तो मन था कि कुछ करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ये मेरी माँ ने सिखाया या मेरी नानी या दादी ने सिखाया। आप पहली है जो मुझे मिल रहे कि मेरे पापा ने सिखाया। मेरे पापा बनाते थे घर खाने की चीजें। अच्छा लगा सुन के। यह आपका फोटो है? यह हाँ मेरी। हर एक चीज पे आपका फोटो है? अचार में है, चाय मसाला। मैडम जी आप खुश हैं? आप तो इसके मेन क्रिएटर हैं बिजनेस के। हाँ, आपको खुशी है जिस तरीके से बिजनेस बनी है? हाँ बहुत खुश हूँ, बड़ा बनना चाहिए बस ये जानती हूँ। और मैं घर से पहले बार आई थी ऑडिशन देने,
ये फर्स्ट सेकंड बार मुंबई आई। आप शहर से बाहर नहीं निकली? घर से देवघर में ही घर था तो। आप हमेशा जिंदगी भर देवघर में रही? ससुराल भी वहीं मिल गया, बिजनेस भी वहीं पे। मायके भी वहीं। क्या बात, बच्चे लोग गए बाहर चले गए, सब चले गए, मैं कहीं नहीं गई। वो आपकी बेटियां जो जापान और यूएस में रहती हैं, आपको बुलाया नहीं? अभी जिद कर रही है जापान जाने का। अच्छा जी। अभी बोल रही है, वीजा के लिए अप्लाई किया कोलकाता में। हाँ। तो वो लोग कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो दोनों हम लोग आए थे। मित्रेश जी, थोड़ा आपका बिजनेस का स्केल बताएंगे, रेवेन्यू क्या है, मार्जिन क्या है? इस साल से लेके अभी तक 1.5 करोड़ किया है नवम्बर तक। लास्ट ईयर हमने 80 लाख किया था। लास्ट 3 मंथ्स में हमने अराउंड 66 लाख किया है। हमारा जो सीओजी आता है वो अराउंड 20-25% आता है। कमीशन और फुलफिलमेंट जो जाते हैं वो अराउंड 35%। जो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आता है वो 15%। तो आपका 25% लगभग बचता है घर में? जो हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हटा के हमारा जो एबिटा है वो अराउंड 10-15% के बीच में। तो 2-3 लाख रुपए महीने का बच रहा है। यस, कांग्रेचुलेशन, वेल डन। आप लोग देवघर में रह करके इतना बढ़िया आपने बिजनेस बनाया, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया काम किया। SKUs कितने? मैम अभी अराउंड 15-20 SKUs हैं। ज्यादा लग रहा है। हाँ, लेकिन हुआ क्या था, पहले और भी ज्यादा थे, मैंने बहुत सारे नैरो डाउन किए, शो देख के ही मैंने सीखा और अच्छा। अभी प्रोसेस में हूँ मैं हटाने के, मैंने टीज में बहुत ज्यादा ऐड कर दिए थे। तो ये 15 के 3 या 4 बड़े कैटेगरीज क्या है? मैम मेरा सबसे ज्यादा जो हीरो SKU है वो लाकाडोंग टर्मरिक है। 25% सेल्स मेरी लाकाडोंग से आती है। 20% पहाड़ी हनी, 20% इज अराउंड स्टीविया, 15% मैंगो पिकल। मतलब 4 प्रोडक्ट्स ही 80-90% हो गया। इसको एक बिजनेस की तरह बनाने में कितना गहराई से सोचा है कि मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगा, कितना बड़ा बिजनेस? मेरा विजन ये है कि एक तो फर्स्ट बर्ड हर घर के किचन में हो, सेकेंडली लोग मेरे टेस्ट को और प्रोडक्ट को लंबे समय तक याद करें। और अभी तक मैं क्विक कॉमर्स में नहीं हूँ, मैंने अभी रिसेंटली ग्लोबल अमेजोन पे स्टार्ट किया है, दुबई पे पहला शिपमेंट लास्ट वीक ही भेजा है, तो वहाँ से भी सेल्स काफ़ी आएगी। वेबसाइट पे हम लोग काफी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट दुबई भेज दिया लेकिन जेप्टो स्विगी इंस्टामार्ट वगैरह नहीं? सर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पिछले एक साल से लेकिन वो ऑनबोर्ड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनका ये रीजन होता है अभी हम नए ब्रांड्स मतलब नहीं ले रहे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा अटके हुए हैं। कितना कहाँ भेजते हो आप, क्या सेल्स चैनल हैं आपके? सर मेनली अभी 50% सेल्स अमेजोन से है, 20% हमारी वेबसाइट से है, बाकी 15% क्रेड में अभी रिसेंटली ऑनबोर्ड किया है वहाँ से भी आ रहा है, और बाकी जो 10-15% है वो फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और थोड़ा बहुत ऑफलाइन, बहुत ही माइनर। कितना पैसा लगाया अभी तक मित्रेश जी आपने कंपनी में? आपने परिवार स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट से, 1.5-2 लाख, लेकिन अभी विद टाइम अराउंड 25-30 लाख मतलब लग गया है, इसमें मेजर इन्वेंटरी प्लानिंग नहीं गया है। कैप टेबल स्प्लिट क्या और रोल्स क्या है? अभी कैप टेबल अभी हमने कोई फंड रेज नहीं किया बूटस्ट्रैप में, लेकिन इक्विटी किसके नाम? इक्विटी मेरा 82% है, मम्मी का 18% है। ये बता मित्रेश की अपन लोग मसाले हनी अचार इन कैटेगरीज में गए जो काफ़ी कॉमोडिटाइज्ड है, तो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या, क्योंकि जब आपने कॉग्स बताया तो आपने बोला 25% कॉग्स है, अब मसालों में टिपिकली कॉग्स कहीं ज़्यादा होता है, तो आपकी प्राइस बहुत है, ये कैसे कंपेयर करूँ? सर ये सेलिंग प्राइस इसका अराउंड 299 है। हाँ देखा मैंने। और सेकेंडली एक डिफरेंस क्या है, जो आप नॉर्मल हल्दी ले रहे हो और इस हल्दी में ये काइंड ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स है, ये आप खाने में तो यूज कर ही सकते हो, बाकी इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी हैं क्योंकि इसमें हाई कर्क्यूमिन कंटेंट है, ये फार्मा ग्रेड भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट भी होता है। 250 ग्राम का पैकेट अगर मैं नॉर्मल हल्दी खरीदूं अपनी परचूनी की दुकान से और ये मंगाऊं तो कितना प्राइस डिफरेंस होगा? सर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का डिफरेंस है, 2.5 गुना, तभी आपका कॉक्स 25% है। लेकिन इसके अपने सेट ऑफ कंज्यूमर है, और आप अगर ये अमेजोन पे भी सर्च करोगे ना, हाँ जी, आप नॉर्मल कीवर्ड से ब्रांड नेम से भी नहीं तो ये फर्स्ट पेज में दिखेगा और ग्रोसरी कैटेगरी में और टर्मरिक में टॉप 10 में ही है। रिव्यूज क्या है लाकाडोंग टर्मरिक? 4.3, नॉट बैड। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है क्लियरली स्टीप है। यस, बाकी प्रोडक्ट्स में भी सिमिलर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? हनी का एक एवरेज 499 है क्योंकि हनी हम लोग जिस कैटेगरी में करते हैं ये रॉ हनी और फ्रेश फार्म से वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस प्राइस में आजकल अमेजोन में 499 एक कॉमन प्राइस है जो कस्टमर्स पे करता है हनी के लिए। और इसमें मार्जिन स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं? 25% इसमें भी कॉस्ट प्राइस आता है। अमेजोन पे कितनी बिकती है, कितना बड़ा मार्केट है ऑनलाइन? सर टर्मरिक अगर आप ऐसे, मैं पूरे बड़े सीनियर में ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट होगा, हाँ, तो 10-15 हज़ार करोड़ का मार्केट है। तो मैं समझता हूँ। कमोडिटी में आप अमेज़न पे ट्रैक कर पाते हैं ना कि अभी हम लोग जितना कर रहे हैं इसका हम लोग 5x तक और कर सकते हैं क्योंकि हमारे एड स्पेंड बहुत ही मिनिमम होते हैं, तो उसको बढ़ा क्यों नहीं सकते अपन लोग एड स्पेंड? सर अभी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे कुछ सेल्स ऑर्गेनिक भी आते हैं, ऐड में हमने एक कैप रखा हुआ है कि हमें 15-20% तक ही स्पेंड करना है, उसके आगे अभी हम लोग नहीं कर रहे, वो हमारे कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, हम नहीं चाहते हैं कि अभी हम उतना बर्न करें। आज आपके पास कैश कितना है?
इन हैंड 8 लाख के अप्रोक्स। कितना? 8 लाख। इन्वेंट्री कितनी की अपने पास? सर 15 से 20 लाख की अभी। 15 से 20 लाख इन्वेंट्री। अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ेगा। मुझे थैंक यू, आपने अच्छे से खिलाया, बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा अर्ली है अभी। आप थोड़ा और आगे निकलोगे ना, आपको पता लगेगा क्या क्या किस किस स्टेप में क्या क्या चले जाएंगे। थैंक यू। मैं भी आउट हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट से आपने 1.5 करोड़ का बिजनेस बनाया, देवघर से बाहर भी नहीं निकली आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, आप एक स्केल लाइए ताकि फिर इन्वेस्टर का उसमें एक इंटरेस्ट बने, एक एग्जिट की विजिबिलिटी हो जाए, उसके बाद आप पैसे लीजिए। दिस इज टू अर्ली किसी भी इन्वेस्टर के लिए। सो ऑल द बेस्ट, आप सचमुच एक मिसाल है, एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़े बन जाए। थैंक यू। मैम आपको खुशी होती कि आप एंटरप्रेन्योर बन गई हैं? आपको समझ में आता है आपने कितनी बड़ी चीज करी है? पर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा सक्सेस भी होना चाहिए ना। यहाँ इतनी दूर आई हूँ तो कुछ नहीं मिला तो फायदा क्या मेरा यहाँ आने का। मैम देखिए, आप पूरा एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, आपको आरओआई चाहिए कि देवघर से आप मुंबई आई हैं तो कुछ आरओआई तो बनना चाहिए। सबसे पहले तो आप देवघर से आती हैं, मैंने बहुत सुना है देवघर के बारे में और वहाँ के भोलेनाथ जी के मंदिर के बारे में, तो मुझे तो हमेशा लगता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो आपका तो बिजनेस इतनी बढ़िया शहर से आप बना रहे हैं कि आप देश में और दुनिया भर में जरूर सक्सेसफुल हों। आपको अभी बिजनेस को और प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। अभी आप प्रोफेशनलाइज करेंगे तो आपकी बिजनेस 3 करोड़ से 30 करोड़ के रास्ते के लिए तैयार हो जाएगी। उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को मदद करूं। आपको जो 50 लाख रुपए आपने मांगे हैं, मैं पूरे आपको देने के लिए तैयार हूं, पर उसके अगेंस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 10% आपकी कंपनी का। तो ये मेरा आपके लिए प्रपोजल। आप दोनों से ही मैं काफी प्रभावित हूं। आपसे इसलिए क्योंकि बहुत सी बाधाएं आई, आपको मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अभी भी कुछ करना है। वो तो मन में है कि कुछ आगे करना है। बहुत अच्छी बात है। और मित्रेश, आपको समझ है, इंस्टिंक्ट है बिजनेस की जो काफी अच्छी है, और मैं एक ऑफर रेडी कर रहा था आपके लिए, लेकिन आई थिंक कि निवेश भाई ने आपको जो ऑफर किया है वो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, शायद वो ज्यादा आपकी बेटर मदद कर सके, यू शुड कंसीडर दैट। सो आई एम आउट, बट गुड लक। तो मित्रेश जी, जो आपने सुना निवेश, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने कभी नया वेबसाइट चालू किया है, ritesh.com, तो उसकी मार्केटिंग में मेरे दोस्त मदद कर रहे थे, उसमें जिन कंपनियों से मैंने निवेश किया है उनको हमने साथ जोड़ा है, तो थैंक यू अनुपम भाई। नो प्रॉब्लम। आपके अभी करंट चैलेंजेस क्या, आपको क्या हेल्प चाहिए? ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए, जहाँ पे मैं अटकता हूँ कुछ कनेक्शन चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, और जब भी मैं कहीं अटकूं बस आपके पास एक छोटा सा मेंटरशिप के लिए आऊँ। मतलब मुझे इतना पता है कि मैं कर सकता हूँ, सोर्सिंग में मेरा बहुत अच्छा होल्ड है, जब 1.5 से 2 लाख से यहाँ तक लेके आ सकता हूँ तो 50 लाख से मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे लेके जा सकता हूँ। बहुत जेन्युइन लग रहा है मेरे को और बहुत हार्ड वर्किंग भी लग रहा है फ्रेंकली। मैं जो डील बनाना चाह रहा था वो बनाना चाह रहा था विद रॉयल्टी। रितेश भाई ने जो ऑफर दिया है वो प्रैक्टिकली उन्होंने फुल इक्विटी का दे दिया, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप, अगर मैं देता भी हूँ तो वो ऑफर आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, वरना मैं आऊँ। आप बता दीजिए सर फिर भी। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। कैसा लग रहा आंटी, ऑफर लेने आए थे, ऑफर मिल गया? हाँ, दो दो ऑफर मिल रहे हैं। बाबा मंदिर में पूजा करके आए थे, बाबा के नाम के लिए, शिव जी का। तो मैं सेम वैल्यूएशन मैच करूंगा, 50 लाख और 10%, यानी कि 5 करोड़ की कंपनी की वैल्यू लगाई, पर मेरे को रॉयल्टी में वापस चाहिए होगा वापस 50 लाख, जो मैंने आपको डाला है, एट 2% का रिटर्न, मतलब दो हार रॉयल्टी की होगी 2%, जब तक मेरे 50 लाख मेरे वापस नहीं आ जाते। अब आप डिसीजन लीजिए। रितेश जी, डील पक्की है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम जी नमस्ते, आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे, आगे बढ़िए आप। मेरा बेटा जैसा है। आपके साथ बाबा के मंदिर में दर्शन करने साथ जाएंगे? हाँ, एकदम पक्का। बहुत बहुत बढ़िया डील। मुझे लगता है कि ये जो 50 लाख रुपए हैं, इससे सरोज जी और मित्रेश जी के पूरा बिजनेस का कायापलट हो सकता है और उनको एक बड़ा फ्यूल मिल सकता है, जिससे वो आज बड़े बिजनेस बनने का सपना देख सके और सिर्फ काम पे ध्यान दे और देश भर को बढ़िया चीजें कैसे खिलाए।